नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। हैवानियत का एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 10वीं की छात्रा को मंदिर से झूठ बोलकर ले जाया गया और सुनसान इलाके में उसे ले जाकर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह छोटी बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, पर दरिंदों की रूह नहीं कांपी, बल्कि उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। मामला है चूरू के बिदासर का, जहां एक 10वीं की छात्रा अपनी दादी के साथ प्रवचन सुनने गई थी। इस दौरान बालिका पंडाल के बाहर खड़ी थी। उसी वक्त गांव का ही एक लड़का उसके पास आया और कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, जिस पर विश्वास करते हुए लड़की बाइक पर सवार होकर उनके साथ चली गई। युवक उसको घर न ले जाकर सुनसान जगह की ओर ले जाने लगे और बच्ची के पूछने पर बोले कि तेरा भाई तालाब के पास खड़ा है। बालिका के विरोध करने पर भी वह नहीं माना और जबरन ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी का दोस्त भी वहां आ गया और उसने भी बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने और रोने पर दोनों आरोपियों ने उसे चाकू दिखाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। थाना विधानसभा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है। ये सूचना प्राप्त होने के बाद में तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया है और उस बालिका का मेडिकल मुआयना करा लिया गया है और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है जो डिप्टी SP राम प्रताप जी द्वारा किया जा रहा है और मैंने भी इस मामले में सारी पूछताछ की है और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको निरुद्ध किया गया है और वो नाबालिग है और उसे अनुसंधान तफ्तीश की जा रही है और दूसरा जो है वो आरोपी भी पूछताछ के आधार पर अभी नाबालिग ही मालूम हुआ है और उसके लिए टीम रवाना कर दी गई है, तुरंत उसको भी निरुद्ध किया जा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन पीड़ित ने अपने घर वालों को हिम्मत दिखाते हुए सारी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने बिदासर थाने में दो युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे की तलाश जारी है। तो चलिए, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए TPV News। नमस्कार।